भोपाल की कोतवाली इलाके में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक विदिशा का रहने वाला है, जिसने शादी का झांसा देकर 9 साल तक युवती का शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। युवती ने बताया कि उसकी दोस्ती अंशुल नामक युवक से 2012 में हुई थी। अंशुल विदिशा का रहने वाला है और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, जिसके बाद एक दिन अंशुल ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने विरोध किया तो अंशुल ने शादी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद वो लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। हाल ही में युवती को पता चला कि अंशुल की शादी कहीं और तय हो गई है, तब जाकर उसने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई। बताया गया कि पूर्व में उसके साथ झांसा दे करके एक व्यक्ति की तरह लगभग 2-3 साल से उसके साथ इलीगल रिलेशन बनाए गए हैं और शादी की बात पर से वो मुकर गया है। उस पर से अपना 10-3 क्षेत्र का मामला पंजीकृत किया गया है और आरोपी गिरफ्तारी के लिए संबंधित जगह पर टीम भेजी गई। वो जो पड़ोसी जिला है विदिशा, वहाँ का रहने वाला है, जल्दी आरोपी गिरफ्तार कर लिया।